फिरोजाबाद की श्रीराम कॉलोनी में छह मृत्यु की मांग को लेकर धरने पर बैठे वहां के बासिंदों में आज पांच लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसको लेकर एम्बुलेंस के लिए फोन किया गया, फिर भी तीन घंटे तक कोई भी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल सकी। घटना की जानकारी होने पर नगर विधायक मनीष सीजा व नगर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे एवं उनके हस्तक्षेप के बाद अस्पताल प्रशासन जागा और एक चिकित्सकीय टीम घटना स्थल की तरफ रवाना की गई, जिसमें खराब तबीयत वाले व्यक्तियों को उपचार दिया गया। वहीं नगर मजिस्ट्रेट और नगर विधायक की सूझबूझ से श्रीराम कॉलोनी को नगर निगम में जल्द से जल्द शामिल करने का आश्वासन दिया गया एवं जूस पिलाकर धरना समाप्त किया गया। हाँ माता जी को पिबा दे, पहले पिताजी फाड़े एसपी के कितने नाम कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? संगीता है। संगीता, ये धरना चल रहा है, क्या है मामला? ये कैसे तबीयत खराब हो गई? आपको लेके ये धरना चल रहा है आपका? तीन दिन से ये लोग जो है खाने नहीं खा रहे, नगर निगम में ना जोड़ रहे, ना नगर पंचायत में जोड़ रहे, काम जोड़ रहे जे ना, ये कोई सुविधा आया कि कछु नहीं, ना सड़क की ना नाले की, काम नहीं। धरना आपने कब से किया है? यहाँ लोग इच्छा मृत्यु की मांगों को लेकर धरने पे बैठे, क्या कारण है और किस तरह की बातचीत प्रशासन द्वारा हो रही है? श्रीराम कॉलोनी है, ये नगर निगम सीमा से बिल्कुल सटी हुई है और इससे आगे का कुछ क्षेत्र है वो भी नगर निगम सीमा में है। तो किसी कारण से, तकनीकी कारण से, खैर जो भी है, लेकिन वो क्षेत्र ये नगर निगम में भी नहीं आ रहा है और ग्राम पंचायत के माध्यम से यहाँ पर विकास कार्य भी नहीं हो रहे। तो चूँकि चारों तरफ से घनी शहरी आबादी है तो यहाँ पर जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, अंदर गलियों की बड़ी दिक्कत है, पानी की तो जैसे अब झेड़ा जाल की योजना में यहाँ टंकी वगैरह बन रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पर जो अंदर का माहौल है रहने का कॉलोनी में, वो बिल्कुल भी मानवीय स्तर पर एडविजिबल नहीं है, वहाँ रहने लायक स्थिति नहीं है। उस कारण से ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी मेरी इन सबसे वार्ता हुई है, मैंने इनसे प्रार्थना करी है, जिलाधिकारी महोदय ने भी इसमें चिंता करी है, क्रिटिकल गैप में 15 लाख रुपये की धनराशि दी है। यहाँ की जल निकासी की समस्या के लिए मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी काम शुरू होगा। इसके अतिरिक्त इसको सीमा, नगर निगम की सीमा में लेने के लिए सीमा विस्तार के प्रस्ताव का जो प्रस्ताव शासन में गया है, मैं अपने स्तर से और अपने यहाँ के क्षेत्र के जो हमारे प्रतिनिधि हैं कैबिनेट मिनिस्टर बघेल साहब, उनके साथ उनका भी सहयोग लेकर प्रयास करेंगे कि इसको नगर निगम में शामिल कराएँ। नागरिकों से, माताओं बहनों से ये प्रार्थना करी है कि गर्मी का समय है, ये आज ये धरना खत्म कराया है, किस तरह का आश्वासन प्रशासन द्वारा दिया गया? ये राम कॉलोनी, श्रीराम कॉलोनी फिरोजाबाद में, ये नगर पंचायत नगर निगम क्षेत्र में नहीं है, तो इसमें डिमांड है कि इसको नगर निगम का विस्तार करके इस कॉलोनी को भी नगर निगम में शामिल किया जाए। उसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन स्तर पर पत्राचार भी किया गया है और यहाँ से हमने एक एई और जेई को वहाँ डिप्यूट कर दिया है शासन में, लखनऊ में जाके वो तैयारी करके इसको कराया जा सकते, उसी के अंश पर बैठे थे। आज इसको खुलाया गया, विधायक जी यहाँ पे आए थे और जूस
मिलाकर लोगों का अच्छा समाप्त कराएंगे। ठीक।